अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकैया एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट विद रुकैया। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों से वीडियो मैंने बना ली थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। आज मेरा वाईफाई बिल्कुल ठीक हो गया है तो चलिए मैंने कहा कि आज वीडियो अपलोड कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बना लिया है चॉकलेट केक और उसके लिए मैंने ले लिया है सबसे पहले मोल्ड, उसे ग्रीस करके रख दिया है, बटर पेपर भी लगा दिया है। और बस मैंने फिर सबसे पहले ले लिए दो अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं और उसे सेपरेट सेपरेट मैंने तोड़ के डाला है क्योंकि अगर एक अंडा भी ख़राब हुआ तो जो है हमारा बैटर ख़राब हो सकता है। बस फिर मैंने उसे हैंड विस्क से जो है, विस्क जो होता है आम आपके घर में होगा वो नहीं है तो फोर्क ले लें, फोर्क से आप इसे बीट कर लें। तो बस उसे आपने अच्छी तरह हाथ से पहले मिक्स करना है। उसके अंदर मैंने डाल दिया है हाफ़ कप शुगर, पाउडर शुगर, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं शुगर, मैंने ले लिया हाफ कप। बस मैं उसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी यही कोई दो मिनट। बीट करने के बाद मैं इसमें जो है डाल दूँगी वनीला एसेंस, 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। तो बस वो ऐड करेंगे ताकि अंडे की स्मेल ना आए, तो बस वो ऐड करके फिर मैं उसे बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी। तकरीबन 1 मिनट मैं और मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो ऐड करूँगी। तो उसके बाद मैंने ले लिया 1/3 कप ऑफ ऑयल और बस उसे भी डाल के मैं थोड़ा सा बीट कर लूँगी। फिर मैंने ले लिया रूम टेम्परेचर पे 1 कप ऑफ मिल्क और बस उसे मैं मिक्स करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। बस जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर मैंने ले लिया 1 कप मैदा और जो कि हम स्टिफ करके यूज़ करेंगे, और उसके साथ ही मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 2 और 3 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, मैंने 3 लिए हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहें तो 2 ऐड कर दें। बस ये डाल दिया और मैंने इसे अच्छी तरह से स्टिफ कर लिया है। और बस देखिए इसे ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बस इसे अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, कोई लम्स नहीं है इसमें। ये देखिए इफ़ ये थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये थिक होगा। बस ये देखिए मोल्ड में ऐड करें, इसका यहाँ से पार्ट स्किप हो गया है तो वो भी मैं आपको दिखाती। तो इसे मैंने बना दिया था, 35 मिनट्स बेक किया था, तो 35 मिनट्स के बाद मैंने इसे निकाला था। देखिए इसके पर ये मार्क नज़र आ रहे नाइफ के, तो उससे मैंने चेक किया था। तो आप भी बस 35 मिनट दीजिए और बस ये तैयार हो गया था। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।